भी हो सकता है, फायरफॉक्स भी हो सकता है, तो जो भी आपके पास हो उस पर आप बोलते रहिए, बोलते भी रहेंगे, आपकी आवाज से थोड़ा और जल्दी पकड़ पाएंगे लोग। अच्छा अच्छा नहीं सर, मैं बोल रही हूँ, रुकती मैं इसलिए हूँ कि जो लोग मेरे साथ टाइप कर रहे हैं वो गूगल पे टाइप किया जा रहा है, पंचायत गेटवे, आप जब टाइप करेंगे तो पंचायत गेटवे दिखाई पड़ रहा है, पंचायत गेटवे डॉट इन गूगल पे टाइप करेंगे तो पंचायत गेटवे डॉट इन ओपन होगा। अभी ओपन करने की प्रक्रिया एक की जा रही है। ये मैंने टाइप कर दिया है एड्रेस बार में, और उसके बाद उसको एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर जियो लोकेशन को जरूर अलाउ कर दीजिएगा। ये देखिए खुल करके आएगा पंचायत गेटवे की साइट, और इसमें जो है ऊपर इसके बाद पहला काम आपको करना है डाउनलोड, और फाइल लिखा है एग्जीक्यूटिव फाइल, देखिए मैम ने दबाया डाउनलोड का, यह साइड में आपका डाउनलोड हो गया, और ये आपका बाएं साइड में देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपके ग्राम पंचायत डॉट डेट डेस्ट करके ZIP लॉग हुआ है। अब इसको खोलेंगे तब जाकर के ओपन किया जा रहा है। अब देखिए ओपन हुआ, ओपन होने पर दो ठो फोल्डर दिखाई पड़ रहा है, और जो फोल्डर में ग्राम पंचायत गेटवे डॉट कर्ल डॉट करके आता है, उस फोल्डर को खोजने की जरूरत है। और जब आपके कंप्यूटर में जैसा कि तीर में आप देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट टू में आप जाएंगे तब ये चीज खुल करके आएगी, और यहाँ से एक्सट्रैक्ट ओके करेंगे, और ओके करेंगे जब ग्राम पंचायत को तो आगे का प्रोसेस खुलेगा, और आगे जब खुल रहा है तब आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। ये देखिए इसको इसके पंचायत गेटवे आपका जो है डेस्कटॉप पर, इसके बाद इसका एक फोल्डर डाउनलोड में जाके सेव हो गया है, आपको वो ओपन करना है जाके। लॉक के ऑपरेटर जुड़े सेव, मैंने डबल क्लिक किया है उस पर जाके, फिर डबल क्लिक किया है लॉक के ऑपरेटर जुड़े हैं, और ग्राम सचिवालय इंडेक्स डॉट बैट करके देखिए खुल गया है, ये लास्ट में ग्राम पंचायत इंडेक्स ESP करके है, इसी को क्लिक करेंगे तब आपका आईडी मांगेगा। ये देखिए ओपन हो रहा है, इंटर ग्राम ग्राम सचिवालय आईडी, यही आईडी है ग्राम पंचायत के, LGD कोड है, LGD कोड की आईडी बताएगा यह, इसमें जब आप डालेंगे जैसा कि अभी डाला जाएगा तब आगे DSC डालने की जरूरत होगी। यहाँ पर आपको अपना LGD ग्राम पंचायत के LGD कोड पड़ा 90331, अब इसके बाद जो है आपकी DSC लगेगी, गेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन DSC लगेगी, नॉन अथराइज्ड। ये देखिए लॉगिन पेज अपने आप ओपन हो जाएगा, अब जो है पंचायत गेटवे खुल गया। अब यहाँ से आप फिर से लॉगिन करेंगे, वही है ID पासवर्ड आपको डालना है, जो ID है आपकी LGD कोड प्लस आपका 1 2 3 4 5 6 ये कमांड लॉगिन करके बनाया गया है, और उसको लॉग करके लॉगिन कर देंगे। अब आपका यह पोर्टल खुल गया, ये सारी चीजें हो गई। अब मेकर ई ग्राम स्वराज का खुला है, अब जाएंगे मेकर एंट्री फॉर्म, मेकर फॉर्म पे जाइए। मेकर जो होता है सचिव होता है, चेकर प्रधान होता है। ये देखिए सोनभद्र 54 ब्लॉक के कोठानी ग्राम पंचायत का खुला हुआ है, और इसमें फिफ्थ फाइनेंस और 15 फाइनेंस का ये पेमेंट का वाउचर बन रहा है, ये वाउचर बनाते हुए और इसको सबमिट करना है। ये देखिए वाउचर 22 नंबर हो गया, डेट डाली जाएगी, अमाउंट डाला जाएगा, वेंडर डाला जाएगा, और वेंडर का अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी। यही वाउचर बनाने का तरीका है, इसको आप जान लीजिए, इसमें कोई नया चीज नहीं। देखिए 1 अगस्त को ये वाउचर बन रहा है, और बिल्कुल जो जो चीजें आपने वहां पर ई ग्राम सचिवालय पे डाली है वही सब आपको यहाँ पर कंट्रोल पेस्ट करके लाना है। वेंडर का नाम पहले से आप फीड किए रहेंगे,
जैसा कि वेंडर के नाम में यहाँ पर ये मुरैलाल हैं, लेबर हैं हमको लगता है, उनका बैंक अकाउंट को मैप करना है इधर। और इसके बाद बैंक का अकाउंट, ये बगल में अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर मैप कर दिया गया। देखिए एक उदाहरण है आपके सामने, आपको देख रहा होगा कि ये तो आगरा का लिखा है, आप उसके चक्कर में पड़िए। अब ये सबमिट कर दीजिए, उसका नाम और कर दीजिए आपने। अगर कोई गलती लगती है तो कैसे भी कर सकते हैं, अगर लगता है कि सही है तो आप उसको ओके कर देंगे, यह चला जाएगा। जब चला जाएगा हाँ आईडी और प्रधान कार्ड DSC लगा करके देखिए, ये आगे दो ठोस के पेमेंट के लिए प्रधान देख रहे हैं। आपको सिर्फ ऑपरेटर को धान की जिम्मेदारी होगी, वो बैठ करके उसको देखें। अगर किसी तरह का साठ फाल होता उनकी DSC से तो उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स। अभी इंटर FD पर और 10 तारीख का डेट इसमें, या जब भी सिलेक्ट 10 का डेट इन्होंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर लिखा गया कि मैं ग्राम प्रधान गुठानी हूँ, मैं ग्राम पंचायत गुठानी का प्रधान हूँ, मेरे द्वारा भुगतान ग्राम सचिवालय तथा गलत पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाए, इसके लिए प्रधान सहमत हो रहे हैं। यहाँ क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं, हाथ का इशारा दिखा रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे तब सबमिट का ऑप्शन आएगा और उसको सबमिट आएगा। सबमिट हो गया, सबमिट आपने नहीं किया, आप चलिए ठीक है, ये सबमिट हो गया। ये चूंकि एक तरह का डेमो है और ये रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स है, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। ये डिटेल अगर आपको देखना होगा रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में तीन तरह का ऑप्शन आएगा, एक एक्सपेंडिचर आएगा रिपोर्ट का, ये आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। जो वाउचर आपने बनाया है वही वाउचर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ये वाउचर आपका है, दो वाउचर बनाए गए, दोनों वाउचर को आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल में आप देख रहे हैं, जो जिस ग्राम पंचायत का खोला गया है यह 20/8 को 11:14 पर, इसके पहले 11:10 पर लॉगिन किया गया था। इसी तरह आप जितनी बार अपने गांव पंचायत का लॉगिन किए रहेंगे वो उतनी बार दिखाते रहेगा। इसके अलावा तीसरी चीज है कि चेंज पासवर्ड, पासवर्ड जो चेंज करना है, यहाँ से आप खोल करके पुराना पासवर्ड डालेंगे और दो बार, एक बार पासवर्ड नया डालेंगे, उसको कन्फर्म करेंगे और सबमिट कर देंगे। ये चीज यहाँ पर आपकी सबमिट हो जाएगी, पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ से रिपोर्ट दिख जाएगी। अब इसके बाद ई ग्राम स्वराज के पोर्टल से आप सारी रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपके गाँव पंचायत से कितना आपका पंचायत गेटवे से पेमेंट हुआ है, उस कंप्यूटर से कितना दूसरे कंप्यूटर से पेमेंट हुआ, ये सारी चीजें, और उसको हम लोग भी अपने लॉगिन से देख रहे हैं। और जहां से अभी गड़बड़ी हो रही है, दूसरी जगहों से पेमेंट हो रहा है, वहां के खिलाफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो मेरा अनुरोध है कि आप जब भी प्रधान या सचिव कहते हैं, हो सकता है कि आपके यहाँ बहुत से लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं लगा है, तो हो सकता है कि उनका